नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने विज्ञान भवन में बुधवार को हुई वार्ता में शामिल 41 किसान संगठनों को एमएसपी खरीद प्रक्रिया के बेहतर अनुपालन के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव दिया। साथ ही दिल्ली NCR और आसपास वायु प्रदूषण प्रबंध के लिए आयोग के अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर रखने और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे की वापसी पर सहमति जताई। दोनों पक्षों के बीच 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। वहीं बैठक के बाद तोमर ने कहा कि बातचीत मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई। हालांकि किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। हमने उन्हें कानूनों के फायदे गिनाए और खास समस्याओं के बारे में पूछा। तोमर ने शांतिपूर्ण वार्ता के लिए किसान संगठनों की सराहना की। उन्होंने किसान संगठनों से बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को आंदोलन स्थल की कड़कड़ाती ठंड से वापस घर भेजने की अपील की। वार्ता में शामिल किसानों ने इस बार भी खाना अपने लंगर का खाया। बैठक के 2 घंटे बाद सिंघू बॉर्डर से लंगर का खाना विज्ञान भवन पहुंचा, तो तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने भी किसानों के साथ लंगर का खाना खाया। इसके बाद बैठक शुरू हुई। हालांकि अब तक सरकार का कुछ भी खाने पीने से इनकार करते रहे किसान नेताओं ने शाम को सरकार की चाय स्वीकार की। चाय के बाद किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में अरदास की। सरकार को उम्मीद थी कि गतिरोध खत्म होगा, किसान घर लौट जाएंगे और परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाएंगे। हालांकि दोनों प्रमुख मुद्दों पर सहमति न बनने से अब किसानों का नया साल दिल्ली की सीमा पर ही मनेगा। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री तोमर ने बातचीत में हल निकालने की उम्मीद जताई थी। वहीं किसानों ने कहा कि हम पूरी तैयारी से आए हैं और मांगे मनवाए बिना नहीं जाएंगे। पंजाब किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुल्दू सिंह मनसा ने कहा, सरकार MSP खरीद पर कानूनी गारंटी देने को तैयार नहीं है। इसकी जगह समिति बनाने का प्रस्ताव जरूर दिया है, लेकिन ये प्रस्ताव हमारे एजेंडे से अधिक मेल नहीं खाता और इसका हमारी मांगों पर असर नहीं होता। किसान नेता कलवंत सिंह संधू ने कहा, बुधवार को सरकार ने 2 मांगे मान ली हैं, MSP और कानूनों पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आधी जीत हुई और आधी बात 4 जनवरी को होने वाली वार्ता में बन जाएगी। किसानों के एजेंडे की 4 में से 2 मांगों पर सहमति बन गई है, यानी 50% मसला हल हो गया है। अगली बातचीत में पूरा मसला हल होने की उम्मीद है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।